ओमकार और रुद्र दोनों के फोन स्विच्ड ऑफ आ रहे हैं। और शिवाय तो मेरा फोन वैसे ही नहीं उठाता है। ये घर तो डेली सोप बना हुआ है, रोज के रोज एक सापा। पहले वो सीडी वाला, फिर वो गायत्री की मौत, अब तीनों का फोन ही नहीं लग रहा है। अरे अनिका को लेने गए हैं, उससे बात कर रहे होंगे ना। रब करे अनिका जल्दी वापस आ जाए। मामी जी, अनिका बहुत ही समझदार लड़की, अगर शिवाय सिंसियरली उससे माफी मांगेगा ना तो वो घर वापस जरूर आएगी। और वैसे भी मेरा शिवाय जब अपनी कंजी आंखों के साथ मासूमियत से किसी की तरफ देखता है और सॉरी बोलता है तो वो वैसे ही मान जाते हैं। अनिका ने तुम तीनों को इतना कूटा। इतनी बुरी तरह धोया है मेरे बच्चे को, जैसे इंसान ना हो। हल्दी का दाग लगाओ कपड़े पे। चल पीछे हट, मुझे मरहम लगाने दे। दादी चल रहा है। दादी बेटा, तू तो मेरा समझदार बेटा है ना। मम्मी ये क्या लगा रही हो यार? आपको मेरे को आई चू लेके जाना चाहिए। खुद क्यों डॉक्टर बन रही हो? खुद क्यों डॉक्टर बन रही हो? रुद्र मम्मी, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो गया है। मुझे लगता है गले तक आ गया मम्मी। एल्बो, मैं एल्बो टच कर रहा, एल्बो पे है। तुम्हें बुखार भी इंस्टॉलमेंट में हो रहा है रुद्र। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपरी चोट है। ऊपरी चोट 50 गुंडे थे, 50 अकेले मारा मैंने। ओशिया भी अनिका दी से तालियां मारे थे ऐसे ऐसे करके। फिर उन्हें चोट कैसे लगी? वो ताली मारते मारते गिर गए मम्मी। मम्मी सब में क्या रखा है? जाओ ना मेरे लिए काढ़ा बना के। प्लीज मम्मी प्लीज जल्दी जाओ, इससे मेरा आपका एक ही बेटा रह जाए। लेके जाओ। ओ मैं माता, ये शिवाय तो मेरी कभी सुनेगा ही नहीं। सुच्छु भी एकदम बच्चा है, ये बॉयज ना लिमिट क्रॉस करती है। अरे रब्बा, मेरा तो सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे लगता है उनकी जगह मुझे दवाई लेनी पड़ेगी अब। दादी आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? शिवाय भैया के पास तो पूरी केमिस्ट शॉप है, आप उनसे पेन किलर्स लेके सबको दे दीजिए। गुड आइडिया। ये और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। यस, दर्द चला जाएगा लेकिन नशा सा हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, खाली तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। रुद्र मम्मा, इतनी बड़ी चोट लगी, इतनी छोटी गोली दे रही है, इससे मेरा क्या होगा? मम्मा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आईसीयू ले जाना पड़ेगा आपको मेरे को। चुपचाप से ये पेन किलर खाओ, नहीं तो मैं पापा को बुला लूंगी तुम्हारे। ओके। मम्मी जी अब थोड़ी शांति मिलेगी। अरे रब करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई होप सो मम्मी जी, पर ये पेन किलर्स खा के कहीं कोई स्टूपिडिटी ना कर दे। What? दिवाली की दो दिन की छुट्टी? Impossible. मैं दिवाली की दो दिन की छुट्टी नहीं दूंगा, मैं दिवाली की तीन दिन की छुट्टी दूंगा। सर मतलब धनतेरस की भी छुट्टी दे रहे हैं आप? वो क्या? वो जिस दिन नई ज्वेलरी और बर्तन खरीदते हैं छोटी दिवाली से एक दिन पहले। हाँ हाँ वो भी, और इस बार दिवाली पर डबल बोनस। थैंक यू सर। मैं माता, लगता है पेन किलर्स का असर शुरू हो गया। 10, 20, 30 रुद्र 40, 105, 205 रुद्र तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पुश अप्स कर रहा हूँ। Really? अरे काउंटिंग ही भुला दी यार तुमने। रुद्र तुमने फिर से फ्रूट पंच पिया क्या? पंच पिया नहीं, मारा है। मैंने शिवाय भैया और ओ को गुंडों से बचा लिया। देखो कितनी खतरनाक चोट लगी है मेरे को, देखो। मैं पट्टी कर देती हूँ। क्या क्या कर देती हूँ? पट्टी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो के मुझसे कट्टी करोगी? रुद्र कट्टी नहीं पट्टी। ओके ठीक है, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या इंद्रधनुष कोई टूटा है?
रंग बिखरे बिखरे हैं, दीवारें आज क्यों उजली हैं, पर्दे क्यों निखरे निखरे हैं। दादी क्यों सारे नजारे नजरों को आज बड़े ही खूब लगे, कल तक जिनसे नफरत थी आज वो तकिए महबूब लगे। रुद्र गेट अप। दादी आप कितनी सुंदर हो, बिन दादी वालों का जीना भी कोई जीना है। सबसे प्यारी मेरी दादी एकदम कतरीना है। जो पिटके ही आना था तो जिम जाने का क्या फायदा? तो पिटके नहीं आया हूँ। हर पछताने वालों में हम होते नहीं शुमार, लगी हुई है देखो हॉटी नोटी की कतार, शाखों से उड़ जाएंगी एक दिन जब हर बुलबुल। वैसे बाय चांस आज तुम क्यूट लग रही हो। पेन किलर ना हो गई, भांग हो गई। दादी आपको मेरी शायरी समझ में नहीं आई? मुझे अपने भाइयों के पास जाना चाहिए। पागलों की बातें ना पागल ही समझे, जा अपने पागल भाइयों के पास। पंच पिया नहीं है बट फीलिंग ऐसी आ रही है। आई थिंक तुमने हैवी पेन किलर्स खाने से। ओह लॉजिक। हाँ अभी आम बेटर है? आम तो ठीक था मेरा, मुझे पैर में दर्द हो रहा था। अगर दर्द पैर में हो रहा है तो आम क्यों बताया? पर मुझे पैर में दर्द हो रहा है, पैर में। रुद्र ये तुम्हारा पैर ही तुम्हारा सर है। पैर या सर हो दर्द तो हो रहा है हर जगह पे मुझे। सुमो मीठी बातों से पहले सुमो रुद्रश पागल हो तुम। भैया क्या हुआ? मेरे भैया कहाँ पे हैं? भैया मुझे भैया के पास जाना है। रुद्र नहीं नहीं मैं जाता हूँ भैया के पास। भैया रुद्र भाई दूज की भी छुट्टी जरूरी है। सर आप ठीक तो है ना? I'm okay. वो पेन किलर्स ली थी तो बट सीक्रेट बताऊं मैं आपको मिश्रा जी? आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू सर। आज से आपकी सैलरी डबल। थैंक यू सर। शिवाय शिवाय भैया आज अजीब सी फीलिंग आ रही है, मेरे को सुमो क्यूट लग रही है। अर्ज किया है जो रंग गुलाबी से नफरत थी, जो रंग गुलाबी से नफरत थी आज गई वो मेरे मन से, इश्क हुआ है मुझे अभी रिदीमा के दिए कुशन से। वैसे आज मैंने दिवाली की 3 दिन की छुट्टी है सर। मिश्रा है ना अपना वो मिश्रा, उसको प्रमोशन दे दिया। यू नो आज मुझे वो पता चला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धनतेरस। धनतेरस यू नो धनतेरस, उसमें वो जो लोग पुराने बर्तन खरीदते हैं, मैंने सोचा कि मैं 2-3 स्टील की फैक्ट्री खरीद लूँ। मैं कायनात से जुड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। मैं भी उड़ना चाहता हूँ। मैं भी उड़ना चाहता हूँ। उड़ो भैया आराम से, वरना ट्रैफिक पुलिस चालान काट लेगी। ओके पता हुआ, मैं लैंडिंग कर। क्या खूबसूरत फीलिंग है ये। खूबसूरत से याद आया
निकल लौट आएगी ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।